हेलो गाइस, यू आर वाचिंग ट्रैवलर शर्मा, दिस इज योर फ्रेंड नितिन शर्मा। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से एक अनदर ब्लॉग में। आज है मंडे और हम जा रहे हैं कालपे, जो कि है एक बीच प्लेस, एक सिटी है। सो अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि मेरे नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले मिले। और मेरे को इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, मेरी आईडी है ट्रैवलर शर्मा अंडरस्कोर ऑफिशियल, अगर आपको कोई बात करनी है मुझसे डायरेक्टली। और आज मौसम थोड़ा बारिश वाला हो रहा है और सेक्सी मौसम हो रहा है, आप देख सकते हो। सो हम यहाँ रुके हैं एक ढाबे पे। अब इंडिया में होते तो ढाबा कहा जाता है इसको, लेकिन ये एक कैफेटेरिया है। सो यहाँ पे जितने भी रूट्स हैं, आप किसी भी और दूसरी सिटी में जाते हैं तो रास्तों में जैसे इंडिया में ढाबे मिलते हैं आपको खाना खाने के लिए, रेस्ट करने के लिए, कार पार्क करने के लिए, थोड़ा आराम करने के लिए, यहाँ पे कैफेटेरियाज़ होते हैं मोस्ट प्रोबेबली विद जहाँ पे आप अपना पेट्रोल डलवा सकते हैं। सो ऐसे ही यहाँ पे एक कैफेटेरिया है मेरे पीछे, सो मैं अभी आपको दिखाता हूँ। ये देखो, सो यहाँ पे अभी हम रुके हुए हैं और थोड़ा रेस्ट कर रहे हैं क्योंकि 4 घंटे से गाड़ी चल रही है और प्लस बारिश भी हो रही थी काफ़ी, तो हमने सोचा थोड़ी बारिश रुक जाएगी उसके बाद हम अपनी जर्नी कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि रास्ता जो है वो अप्रॉक्स 5 से 6 घंटे का, यानी कि अभी भी 1.5 घंटा बचा है हमारे पास पहुँचने में कालपे। सो अभी कुछ खा लेते हैं, नाश्ता कर लेते हैं थोड़ा सा इस कैफेटेरिया में, उसके बाद चलते हैं सीधा कालपे। सो मिलेंगे आपसे वहीं पर। ¿Cuál de esos era mío? Son todos iguales. ¿Has puesto en todos pollo? Sí, al final todo para que no se estropeara. मौसम हो रहा है बहुत ही जबरदस्त, बिंदास मस्त।
अभी जिस गांव में मैं हूँ उसका नाम है बेनिसा, और यहाँ से दिखता है काल्पे, वो सामने पेनियन दे इफाक है, मतलब कि वो पत्थर जहाँ पर मैं चढ़ा था, आपने वीडियो अगर देखी होगी वो मेरे चैनल पे। तो अभी हम वहीं जाने वाले हैं, यहाँ से बस सिर्फ 10 मिनट में हम पहुँच जाएंगे, सो चलते हैं और लेट्स गो। सो फाइनली अभी बज रहे हैं 12 और रीच टू द डेस्टिनेशन विच इज काल्पे। चलते हैं इस अपार्टमेंट में, ये है हमारा अपार्टमेंट और लेट्स गो टू द अपार्टमेंट। बाय बाय। सो ये है अपार्टमेंट जिसमें है यहाँ पे फ्रिज, और ये है किचन यहाँ के इस अपार्टमेंट की, और यहाँ पे है वॉश बेसिन, यहाँ पे रखे हैं सामान खाना वाना बनाने के लिए, और बढ़िया यहाँ पे टोस्टर रखा है, एक माइक्रोवेव ओवन है, उसके बाद ये सेल्फ है, उसके बाद यहाँ पे टीवी लगा हुआ है, सोफा सेट है, ये है बेडरूम, और ये हूँ मैं। सो 6 घंटे बाद हम यहाँ पे पहुँचे हैं, रोशनी क्यों नहीं, हाँ ठीक है। और ये है बाहर का कुछ नज़ारा, और यहीं पे ही लेफ्ट में है स्विमिंग पूल कम्युनिटी का। सो 6 घंटे के बाद सुबह 6 बजे चले थे, अब 12 बज रहे हैं और हम पहुँचे हैं यहाँ पे अपार्टमेंट में। सो ये है मेरा अपार्टमेंट जहाँ पर है बेडरूम, उसके बाद ड्रॉर्स है वुडन के, उसके बाद ये है वॉशरूम। सो यहाँ पर आप अपनी नहाई नहाई करेंगे, यहाँ पे आप अपने दूसरे काम करेंगे। सो अभी थोड़ा बाहर का भी दिखाया था, ये अलमीरा है बेडरूम के अंदर, ये एंट्रेंस है सामने, यहीं पे टेबल रखा हुआ है, और ये है छोटी सी किचन, और ये फ्रिज, ये सोफ़ा, और सबसे मज़ेदार चीज़ है ये यहाँ पे, क्या बढ़िया भयंकर हवा चलती है, पिछले साल जब मैं आया था मज़ा ही आ गया था। और यहीं पे ही पीछे कम्युनिटी का स्विमिंग पूल है। सो अभी धीरे धीरे धूप निकल रही है, और सामने ही है बीच। सो ये थोड़ा सा एरिया है बाहर का बालकनी का, काफ़ी सही। और अभी चलते हैं, चलेंगे थोड़ी देर में बीच पे, और मैं आपको दिखाता हूँ कैसी है यहाँ पे काल्पे में बीच। अगर आपने मेरी पुरानी वीडियोस नहीं देखी है, वो मैंने फ़ोन से बनाई थी, क्योंकि मेरे साथ ट्रेजेडी हो गई थी फर्स्ट डे ही यहाँ पे। और ट्रेजेडी क्या हुई थी कि मेरा जो गोप्रो है वो सीधा समुद्र में गिर गया था, और मैंने उसका बटन बंद नहीं किया था, सो वो ख़राब हो गया था, तो मेरे को फ़ोन से बनानी पड़ी थी। सो इस बार हम गोप्रो से बनाएंगे, और मिलेंगे आगे वीडियो में। देखते रहिए ट्रैवलर शर्मा।